वेलकम टू पशु पशु वैली। अगर आप देखें ये ग्लेशियर पतझड़ का मौसम, लाल पीले पत्ते, बल्कि यहाँ येलो कलर बहुत ज्यादा, क्या ही बात है। व्हाइट ग्लेशियर और बर्फबारी भी हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप यहाँ देखें तो मौसम बना हुआ है। सामने अगर आप ग्लेशियर देखें, ये बिल्कुल पुरानी बर्फ है, वाइट ग्लेशियर इसका नाम है। अगर आपने भी यहाँ आना है तो आप बिल्कुल यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। क्या नाम है पहाड़ का? ऊपर वो पहाड़ का नाम शिशपन। ठीक है पशु, हम पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं क्या ही बात है। यहाँ पर हमने पिछली दफ़ा मछलियों का शिकार भी किया था, लेकिन हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी और हमारे जाल जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गया था। यहाँ एक ब्रिज आएगा और ब्रिज के साथ जो है ना हमने किया था, मुझे याद पड़ रहा है पिछले साल आज ही के दिन। नाज़रीन, ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है और यहाँ पशु में बताया जाता है कि सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। और ये मैं भी आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक किस्म का केक तैयार हो जाता है जो यहाँ की वैरायटी है, स्पेशलिटी है और काफ़ी मशहूर है। मुल्क भर से जो हमारे पाकिस्तानी मुल्क और गैर मुल्क की सयाह जो आते हैं वो ज़रूर ये खाते हैं। तो आज तक जाते हैं कि उस केक का नाम क्या है, कैसा है और ये किस इलाके में ये वाक़ है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको बताना है। मेरे साथ ठीक है। अब हम ये क्या है? उनजाप रिकॉर्ड केक। अच्छा जी जी। तो ये आप हमें खिलाएंगे? आप कहा के देख ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हो। ये खसूसी तौर पर कोई इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं? इसमें एप्रिकॉट, ड्राई ऑर्गेनिक एप्रिकॉट जूस और सेल्फ राइजिंग फ्लावर, और पूरा रेसिपी मैं नहीं बता सकता। अच्छा ये कौन सा रेस्टोरेंट है? ये है सर ग्लेशियर ब्रीज। ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट, ये वाहिद रेस्टोरेंट है क्या और भी है? नहीं नहीं, इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट बन गया है अभी। अच्छा। पशुओं में काफ़ी होटल्स है और रेस्टोरेंट्स भी है, मगर ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है, 20 साल से चल रहा है। 20 साल से 2003 में मैंने ओपनिंग किया हुआ था। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अहमद है। अहमद, चलो खुश रहे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ की रिवायती केक है, इसको आप खाते हैं कि ये किस तरह। ये मैं चेक कर देता हूँ कि ये कैसा है। थोड़ा सा डाल देता हूँ, अगर मुझे पसंद आया तो फिर मैं ज़्यादा डाल दूँगा। आप यकीन माने पिक्चर का बहुत ही ज़्यादा केक भी बेहतरीन है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये केक ज़रूर खाएं। और ये ग्लेशियर ब्रीज जो इसका रेस्टोरेंट है मेरा ख्याल में, तो यहाँ पर आप ये आम मिलते हैं बाजार में कि नहीं? नहीं, ये स्पेशल बनाते हैं, इसका स्पेशलिटीज है। अच्छा ये यहाँ के होटल का स्पेशलिटी है, तो देखते हैं कि किस तरह है। और कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर दिगर दोस्तों से बात हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या खाया है? हमने यहाँ पे ममतू खाया, सब शुरू खाया और यहाँ के फ्रूट्स बिल्कुल ट्राई किए, फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स और बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट्स, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, आप वो भी खा सकते हैं आकर। और इस वक्त हम वेट करें यहाँ के स्पेशल केक का, पासो कोन्स में एप्रिकॉट केक,
तो हम लोग वेट कर रहे हैं, वो भी खाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप? सर कहाँ से आए हैं, नाम बताए और आपको कैसा लगा ये इलाका? मेरा नाम हमायूं है, हम लाहौर से आए हैं। अच्छा, मिसेज असादिया, तो हम आमतौर पर इधर आते रहते हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपके? हमें तो 5-6 दिन हो गए। अच्छा, और क्या अभी पिया जा रहा है तैयारी, ये क्या खाया जा रहा है? हॉट एंड सॉल्ट सूप। अच्छा अच्छा, इस की ग्लेशियर भी इसकी स्पेशलिटी जो है, एप्रिकॉट केक है। अच्छा, हमेशा इधर आके खाया है आपने? तो एंजॉय किया। क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि श्री ज़ादा की जो है वीडियोस को देखिए आप, उससे आपको पूरा जो है ना एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। हम भी आपकी वीडियोस देख के आते हैं। थैंक यू सो मच सर। अपनी बहन से पूछता हूँ, क्या कहेंगे दिगर ख्वातिन को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सभी को आना चाहिए जिसे नेचर से प्यार है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है हमारी कंट्री, तो हम भी आते हैं और सबको आते हैं। हम तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं ना। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि आपके सफ़र जहाँ भी हो खैरियत से हो, आप इंजॉय करें। और थोड़ा सा मैं मंज़र आपको दिखाऊं इस रेस्टोरेंट से, अगर आप देखें तो क्या ही नज़ारा है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ से ढके पहाड़, हरियाली, और इसके साथ अभी जो पतझड़ का मौसम है, क्या ही बात है। साथ साथ दरिया भी बहता है, ग्लेशियर भी पीछे है। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद बताना है पशु के हवाले से, और इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय कर देता हूँ। लावल साहब भी इधर आए हैं, और सामने वहाँ पर अलवी साहब हमारे सदर पाकिस्तान भी आए हैं, तो क्या ही बात है। अच्छा, ये क्या है? ये फेरी सेट्स है। अच्छा अच्छा, फेरी सेट। क्योंकि ये इधर कोई भी नहीं जाता, कदम नहीं रखा यहाँ पे इस पार अब तक तक अभी तक, तो इसी वजह से फिर इसका नाम पेरीगोज रखा। पेरीगोज। तो ये सामने पशु कौन से, अभी इस साल हमारा 8 क्लाइंबर्स ने शिमशाल से ताल्लुक रखते है। अच्छा, तो जोशी एंड टीम, उन्हें 13 अगस्त को इसको सर किया, इस पशु कौन को फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट टाइम कर। और कुछ स्पॉन्सर्स लोकल कम्युनिटी की तरफ से भी मिला, फिर इंटरनेशनल स्पॉन्सर भी उनको मिला, फिर ये क्लाइम किया इन्होंने। ठीक है, और ये? ये है पशु ग्लेशियर्स। अच्छा, ये 1960 में रोड तक था, 1960 में कह रहे कि 1960 में ये रोड पे था, फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल के वहाँ चला गया, अभी ये 45 किलोमीटर लॉन्ग रह गया। अच्छा, 45 किलोमीटर लॉन्ग है। जी जी सर। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ इस रेस्टोरेंट को अगर आप देखें तो बिल्कुल मतलब अकेला रेस्टोरेंट है। आप अगर आते हैं तो आपको प्राइवेसी भी मिलेगी, और साथ में खूबसूरत नज़ारे और केक भी। हमने केक भी खाया, और दिगर खाने भी इनके पास है, लेकिन केक का अपना ही मज़ा है। तो अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो आपने ज़रूर ये केक ट्राई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस केक के लिए आते हैं। और जैसा कि आपने सुना कि पूरे वर्ल्ड में ये केक मशहूर है, तो जाहिर ही बात है पशु में, बिल्कुल पशु के ब्रिज के साथ, पशु ब्रिज के साथ ही है ये। कुछ आबादी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और साथ में ऐसी जगह पर एक बेहतरीन रेस्टोरेंट, तो क्या ही बात है। मेरा ख़्याल है कि आपको इंजॉय करना चाहिए। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। ये चूँकि हमारे रिवायती गाने हैं, रिवायती चीज़ें जो है ना, मेरा मकसद है कि आपको दिखाया जाए और आपको बताया जाए कि यहाँ की सकाफत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़, डिस्ट्रिक्स और इलाकों की सकाफत आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये सब कल्चर जो है ना बहुत प्यारे हैं और बहुत बेहतरीन है। तो मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।